नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मेरा। धनबाद पुराने बाजार के तिब्बतियों ने दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का 30वीं वर्षगांठ मनाया, साथ ही पूजा अर्चना की। 10 दिसंबर को तिब्बती रिफ्यूजी स्वेटर मार्केट न्यू रेलवे स्टेशन पुराना बाजार के तिब्बती लोगों ने दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का उपलक्ष्य में वर्षगांठ मनाया। तिब्बती एसोसिएशन के प्रवक्ता एल्जासो ने बताया कि दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता देने का प्रतीक है और इस बात का संकेत भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज अहिंसा पर आधारित इस संघर्ष की सराहना करता है। उन्होंने भारत सरकार की सराहना की तथा भारतीय जनता को भी धन्यवाद कहा। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज ये हो रहा है साहब, सन 79 को परम पूज्य दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसी खुशी और साथ साथ में दलाई लामा जी का आयु लंबा रहने का प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हर साल मनाते हैं आप ये? हाँ जी, ये हर साल मनाता, ये 30वां वर्षगांठ मना रहा है अभी। इसको कैसे मनाते हैं? इसको बड़ा बाबू, ऐसा है, हर साल हम लोग पूजा अर्चना करता है और उसके बाद क्या बोलता है, दीप जलाता है आयु लंबा होने के लिए। और पिछला साल से ले गए हम लोग, ये एक ठो कार्यक्रम रखा है। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन हमसे भी गरीब लोगों को कुछ वस्त्र बांटने का कार्यक्रम रखा है। इस साल 50-60 हज़ार रुपये का माल हम लोग अभी तैयार करके रखा हुआ है, प्रोग्राम के बाद इसी को बांटाया जाएगा। कितना दीपक जलाते हैं? दीपक हमारा ये 108 जो होता है वो एक शुभ लक्ष्य होता है, इसलिए 108 है। क्या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों का कितना सहयोग है?
हिंदुस्तान गवर्नमेंट का सहयोग तो सन 59 से लेके आज तक जीवित है, और ख़ास करके रिहैबिलिटेशन एजुकेशन के लिए पूरा सरकार हम लोगों को बच्चा का पढ़ाई और रहने के लिए लीज वगैरह हर साल देते आ रहा है आज तक। और नाम है आपका? हमारा नाम है लोबसंग ग्याचो।